दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। चार दिन की हुई बारिश में राजधानी पटना समेत बिहार के करीब 14 जिलों में बाढ़ की तबाही आ गई है। यह तस्वीर है सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के बिंद प्रखंड का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, जहां घरों में पानी प्रवेश होने के बाद लोग निर्माणाधीन फोरलेन सड़क पर अपने और अपने मवेशियों का आशियाना बना रखे हैं। इतना ही नहीं, बहुत सा परिवार अभी भी बाढ़ की पानी में अपने घरों में फंसा हुआ है, जिन्हें जिला प्रशासन के द्वारा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू कर बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें निर्माणाधीन फोरलेन सड़क पर शरण दिया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की भी व्यवस्था की जा रही है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा किस तरह से कम्युनिटी किचन के माध्यम से बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच खाना का वितरण किया जा रहा है। और तस्वीर में आप यह भी देख सकते हैं कि गांव किस तरह से पानी में डूब गया है और लोग किस तरह से गांव में फंसे हुए हैं। भारी बारिश के बीच लोग गांव में फंसे हुए हैं, बावजूद उन्हें जिला प्रशासन अपनी टीम के द्वारा सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। कहां पर तू सब रह रहा है? यहां रोड पर फोर लाइन पर। का क्षति होलो? काका डूब गलो, गल्ला डूब गया, कपड़ा लत्ता जितना सामान टोटल खाली जीवन लेके यहां पर हैं। सर सरकार दे रहा है ना जी? हाँ, सरकार यहाँ से खिलाने लगा है। आज हम मतलब एक टाइम खिलाए हैं। हाँ, तो और की कौची किया था? वो भी एक ही गाड़ी बस गया। राहत के लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, अधिकारी लोग मिले गए, पैकेट का इंतजाम करके एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है, गाँव गाँव पहुँचाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि किचन भी कई स्टार्ट हो गया, अभी आप यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर भी किचन का काम शुरू हो गया खाना, और कई तरह बगल में अतिपुर है, सब जगह किचन का व्यवस्था किया जा रहा है। और जिस गांव में नहीं किचन का व्यवस्था, वहाँ सुखा ही किया जा रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर जहाँ जहाँ किचन नहीं है, वहाँ पर अब सारे लोग पैकेट का इंतजाम करके हमको भिजवा रहे हैं। और सरकार का भी पूरा प्रयास है, मेडिकल डॉक्टर भी, वेटनरी डॉक्टर, सारे लोग यहाँ कैंप कर रहे हैं। और मुख्य रूप से नालंदा जिला में जो प्रभावित इलाके हैं, प्रखंड हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बिंद है, कराय पसुराय है और अस्थामा भी है, हिलसा भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा बिंद है। बिंद में जान माल की कैसे सुरक्षा हो, इसके लिए हम कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सारे लोग लगे हैं और सहयोग भी मिल रहा है सबका, अधिकारियों का, यहाँ के लोगों का, मिलजुल के सब काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि दो तीन दिन में यहाँ सामान्य स्थिति हो जाएगी। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं।